आज के विचार रिट्स धवन के नाम। आज खुलेगा पिंडोरा रिट्स धवन का। अगर आपके भी हैं उनके बारे में कुछ विचार तो लगा दें कमेंट बॉक्स में उनका अंबार। मैं नहीं बताऊंगा। इनकी डिटेल बताने से पहले इनकी बायोग्राफी आपको बताता चलूं कि जब ये पैदा हुई तो बहुत ही छोटी सी थी, फिर ये वक्त के साथ साथ बड़ी होती गई और देखते ही देखते ये प्रैंकस्टर बन गई। इनके प्रैंक देखकर मुझे गब्बर का वो डायलॉग याद आ जाता है कि कितने आदमी थे, क्योंकि ये प्रैंक नहीं चुटकुले होते हैं और चुटकुले भी वो जिन पे हंसी नहीं बल्कि रोना आता है। रिट्स धवन के प्रैंक्स आपने देख रखे होंगे, अगर नहीं देखे तो भाई आप पोगो देखो और दूसरे बच्चों को भी दिखाओ। जहां तक मैंने अंदाजा लगाया है वो ये है कि ये जरा गर्म तबीयत की लड़की है। पूरे कपड़े पहनना इनको पसंद नहीं है, लड़कों के साथ जाकर मस्ती करना इनकी आदत है। जब कोई लड़का इनके साथ मस्ती स्टार्ट कर दे तो इनकी इज्जत पर बात आ जाती है। वैसे ये कमाल नहीं है। म्यूजिक। लोग इनकी वीडियोस को इनके कंटेंट की वजह से नहीं देखते बल्कि वो तो इनके कपड़ों की वजह से इनको देखते हैं और इनकी वीडियोस को आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं। बाकी इनका कंटेंट शाहिद कपूर की फिल्म की तरह फ्लॉप ही होता है। इनकी आजकल पांचों की पांचों उंगलियां घी में नहीं बल्कि लक्ष्मी में हैं। 3 से 4 YouTube के चैनल इन्होंने बनाए हुए हैं। किसी चैनल पर प्रैंक की वीडियो डालती हैं, किसी पर वीलॉग की वीडियोस डालती हैं और किसी पर अपने घरेलू मसाइल की वीडियोस डालती रहती हैं। कुछ दिन पहले एक वीडियो मेरी नजर से गुजरी, उस वीडियो में ये किसी के साथ प्रैंक करने गई और इन्हें एक फूल बेचते बच्चे पर तरस आ गया। इन्होंने अपना कीमती प्रैंक छोड़कर उस बच्चे को कपड़े और जूते दिलवाए मगर कैमरामैन को साथ ही रखा ताकि लोग देख सकें कि एक राजकुमारी किस तरह से एक बच्चे पर अपने बाप का खजाना लुटा रही है। बाप के पास हराम के पैसे बहुत हैं। राजकुमारी भी वो जो गुर्बत की वजह से खुद छोटे कपड़े पहनती है मगर दूसरों को शॉपिंग कराती है। इतने खुले दिल वाली लड़कियां कहां मिलती हैं भाई आज के दौर में। सचा सॉफ्ट हार्ट गर्ल। इसके साथ साथ अदाकारी भी बहुत कमाल की करती है, पता भी नहीं चलने देती कि इनकी वीडियोस असली हैं या नकली हैं। इस बात पे तो इनको ऑस्कर का अवार्ड देना बनता ही है और मेरी रिक्वेस्ट है ऑस्कर का अवार्ड देने वालों से कि इसको ऑस्कर का अवार्ड देने के बाद आप अपनी कंपनी बंद कर दें, क्योंकि इससे ऊपर की अदाकारी कोई भी नहीं कर सकता। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। अब आखिर में आप अपने लिए कपड़े लें या ना लें, लेकिन मशवरा मुफ्त में ले लें। मशवरा ये है कि जितनी भी गर्मी आपके अंदर है उसको थोड़ा कंट्रोल करें, ये ना हो किसी दिन कोई सर फिरा आपको मिल जाए। पूरा लिबास पहना करें और प्रैंक्स में थोड़ी सी कॉमेडी लेकर आए, सीरियस प्रैंक्स अच्छे नहीं लगते। और हाँ, लड़कों को बुरा भला कहने से पहले अगर आप अपने लिबास पर गौर कर लें तो लड़के भी आपकी इज्जत करेंगे और आपको वो रिस्पेक्ट मिलेगी जो आप महिलाएं डिजर्व करती हैं। शुगल करो खा पाओ अन्नी बादेव।